हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है सर आइजैक न्यूटन बाय नथानियल हॉथरोन। नथानियल हॉथरोन एक अमेरिकन ऑथर थे जिनका जन्म हुआ था 1804 में और मृत्यु हुई थी 1864 में। एक्चुअली दिस शॉर्ट स्टोरी इज टेकन फ्रॉम हॉथरोन्स बुक एंटाइटल्ड ट्रू स्टोरीज फ्रॉम हिस्ट्री एंड बायोग्राफी which was published in 1851। ये short story Sir Isaac Newton के life के early childhood को represent करती है। The story begins with the childhood and shows the brilliant mind of young Newton as he was interested in working of mechanics and mathematics। So with this brief introduction, let's begin the short story। England के एक छोटे से village Ulsthorpe में 1642 में Christmas के दिन सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। न्यूटन जब छोटे थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो इस कारण उनकी मदर को एक क्लर्जीमैन से अगेन रीमैरिज करनी पड़ी। वो छोटे न्यूटन को अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर के पास छोड़कर नॉर्थ विथहैम में रहने के लिए अपने न्यू हस्बैंड के साथ चली गई। वो ग्रैंड मदर अपने छोटे न्यूटन से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने बहुत ही कम समय में उसे एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। क्योंकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट था इसलिए जल्दी ही स्कूल में उसे डालना पड़ा। छोटे न्यूटन का माइंड काफ़ी क्यूरियस था, उसे मैकेनिकल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी और वो क्यूरियसली मैकेनिकल चीज़ों को देखता रहता था। छोटे न्यूटन का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, मैकेनिकल स्किल्स, आर्किटेक्ट, कारपेंटर और फर्नीचर मेकिंग में जाग रहा था। उसकी ग्रैंड मदर उसके हमेशा गुनगाती रहती थी, उसके बारे में हमेशा बात करती रहती थी। आइजैक के फ्रेंड्स और उसके नेबरर्स ने आइजैक की ग्रैंडमदर को ये सजेशन दिया कि आइजैक की मैथमेटिकल स्किल्स और उसकी एक मैकेनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उसे क्लॉक मेकर के पास अप्रेंटिस के लिए भेज देना चाहिए। क्लॉक मेकर की शॉप में अप्रेंटिस के दौरान छोटा आइजैक वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्यूरियसली सीख रहा था, जैसे कि डांसिंग फिगर्स ऑफ क्लॉक, डायल प्लेट्स, पेंडुलम, इट्स वाइब्रेशन एक्सेट्रा। ग्रैंड मदर के घर के पास ही एक विंडमिल थी और वहाँ आइजैक हमेशा जाता रहता था और उस विंडमिल को क्यूरियसली ऑब्जर्व करता रहता था। शायद उसी समय, उसी अर्ली चाइल्डहुड में उसने कैलकुलेट करना सीखा होगा विंड फोर्स को, जेंटल ब्रीज को, ए ब्रिस्क गेल को और टेम्पेस्ट को भी शायद उसने कैलकुलेट करना सीखा होगा उसी समय पर। और शायद आइजैक ने उस विंडमिल का अपना खुद का मॉडल कंस्ट्रक्ट किया होगा उसी दौरान। और जब विंडमिल का खुद का मॉडल आइजैक ने तैयार किया होगा तो उसके प्लेमेट्स यानी उसके दोस्तों ने उसे कहा होगा कि विंडमिल तो अभी तैयार है लेकिन इसमें एक कमी है। क्या कमी है? कि यहाँ पर मिलर नहीं है। मिलर यानी विंडमिल को रन करने वाला व्यक्ति। छोटे आइजैक द्वारा तैयार किया हुआ विंडमिल का छोटा मॉडल एक मिनिएचर ही होगा और उस छोटे विंडमिल को चलाने के लिए एक मिलर चाहिए होगा और वो मिलर भी छोटा ही होगा। लेकिन उस समय तक तो कैप्टन लेमुअल गलिवर ने लिलीपुट को खोजा नहीं था, तो न्यूटन को नहीं पता होगा कि शायद कहीं लिलीपुट में छोटे छोटे लोग भी रहते होंगे। इसलिए छोटे न्यूटन ने ये मिलर की जिम्मेदारी शायद किसी माउस को दी होगी और माउस ने वो जिम्मेदारी शायद निभाई भी होगी। छोटा मिलर अपने डार्क ग्रे कोट में काफ़ी जच रहा होगा लेकिन श्योर उसका कैरेक्टर ऑनेस्ट नहीं होगा। समटाइम लिटिल आइजैक माइट हैव सस्पेक्टेड हिम फॉर स्टीलिंग अ पोर्शन ऑफ ग्रेन विच वॉज गिवन हिम टू ग्राइंड। लिटिल आइजैक जैसे ही थोड़ा ग्रो हुआ, वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने सोचा होगा कि ये विंडमिल जैसे छोटे से टॉयज को मैन्युफैक्चर करने के बजाय उसके पास बहुत सारा दूसरा काम भी इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स के बुक्स पढ़ना और नेचुरल फिलॉसफी के बुक्स पढ़ना। ये सारा काम तो शायद उसने किया ही होगा। जब आइजैक 14 साल का हुआ तो उसके मदर के सेकंड हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसकी मदर चाहती थी कि आइजैक यहाँ पर उल्सथॉर्प में आए
और मेरे साथ फार्मिंग में मेरा हाथ बटा। स्कूल छोड़कर उसने 2 साल फार्म में काम किया, लेकिन उसका अटेंशन फार्म में बिल्कुल नहीं था। उसका माइंड तो स्कॉलर बनने के लिए बेताब था, तो उसकी मदर ने सोचा कि इसको फिर से स्कूल भेजते हैं। आइजैक एक ब्राइट स्टूडेंट था। उसने स्कूल ख़त्म किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। एक ऐसा लड़का जिसने विंडमिल के मैकेनिज्म को समझ लिया था, अब वो यूनिवर्स के मैकेनिज्म को समझने और समझाने में जुट गया था। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रह तारों को समझने की उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी। वो अपने टेलीस्कोप से रातों रात ग्रह और तारों को आकाश में देखता रहता। वो अपने टेलीस्कोप से हजारों लाखों मील दूर प्लैनेट्स और स्टार्स को अपने टेलीस्कोप के थ्रू हमेशा ऑब्जर्व करता रहता था। क्या आपको आइजैक न्यूटन के लिटिल डॉग डायमंड की कहानी पता है? ये बात उस समय की है जब आइजैक न्यूटन 50 साल के हुए थे। वो अपने चैम्बर में बहुत सारा काम कर रहे थे और टेबल पर बहुत सारी रिसर्च पेपर और उनकी थ्योरी ऑफ लाइट्स की बहुत सारी रिसर्च की मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पर थी और उन्हें कुछ काम याद आया। वो काम करने के लिए आइजैक न्यूटन अपने चैम्बर के बाहर चले गए। उनका फेवरेट डॉग डायमंड वहाँ पर फायर प्लेस के पास सोया हुआ था और वो दरवाज़ा लगा कर बाहर चले गए थे। डायमंड अपने नींद से जागा। उसने देखा कि वहाँ पर एक टेबल है। उस टेबल पर उसने छलांग लगा दी। उस टेबल पर बहुत सारी कैंडल्स थी। वो कैंडल्स गिर गई और वहाँ के जो पेपर्स थे, जो आइजैक न्यूटन के रिसर्च पेपर थे, रिसर्च नोट्स थी, जो भी रिसर्च की मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी जिसमें थ्योरी ऑफ लाइट्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बहुत सारे नोट्स वहाँ पर लिखे हुए थे, और वो सारा जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स और नोट्स थे वो सारे जल गए और पल भर में 20 साल की जो उनकी मेहनत थी वो एशेस में बदल गई। जब आइजैक न्यूटन वापस आए तो वो अपने डॉग डायमंड पर गुस्सा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल भी उसे डांटा नहीं या फिर उसे पनिश नहीं किया। जैसे कि वो एक लविंग पर्सन थे, उन्होंने डायमंड को पास लिया, उसके सर को हिलाया और प्यार से उसको पास लेकर उसे सवाल पूछा कि क्या शैतानी की तुमने। इस घटना से हम सर आइजैक न्यूटन के टेंपर की स्वीटनेस को जान सकते हैं, लेकिन इस घटना का उनके माइंड, हेल्थ और स्पिरिट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। वो बीमार रहने लगे, लेकिन फिर भी डायमंड के लिए उनका लव और अफेक्शन कभी कम नहीं हुआ। जब आइजैक न्यूटन थोड़े से ओल्ड हुए तो उनकी फेम और उनका नेम काफ़ी बढ़ चुका था। उन्हें ग्रेट रेनाउन मिल गई थी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके थे और इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी। उन्हें जो भी नेम, फेम और ऑनर मिला वो बिल्कुल उस पर गर्व नहीं करते थे। वो कहते थे, आई सीम टू माई सेल्फ लाइक अ चाइल्ड ऑब्जर्व प्लेइंग ऑन द सी शोर्स एंड पिकिंग अप हियर एंड देयर अ क्यूरियस शेल और अ प्रिटी पेबल वाइल द बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रूथ लाइज अनडिस्कवर्ड बिफोर मी। 1727 में एज के 89 ईयर्स के बाद उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी स्पिरिट आज भी इन्फिनाइट वर्ल्ड में विजडम और गुडनेस को खोज रही होगी। सर आइजैक न्यूटन की ये ब्यूटीफुल स्टोरी सुनने के बाद मिसेस टेम्पल से लिटिल जॉर्ज ने कहा कि सर आइजैक न्यूटन ने अगर स्टीम इंजन के बारे में और रेल रोड्स के बारे में अगर सोचा होता तो ही माइट हैव इन्वेंटेड स्टीम इंजन एंड रेल रोड्स। इस स्टोरी से इम्प्रेस होकर लिटिल एडवर्ड ने मिसेस टेम्पल से कहा, इट मस्ट हैव बीन ब्यूटीफुल टू स्पेंड होल नाइट्स इन अ हाई टावर एज अ न्यूटन डिड गेजिंग एट स्टार्स एंड कॉमेट्स एंड मीटियर्स। मिसेस टेम्पल ने जवाब देते हुए जॉर्ज और एडवर्ड से कहा, ही वुड हैव फाउंड आउट सम वे ऑफ एनलाइटिंग हिज माइंड एंड एलिवेटिंग हिज सॉल, बट कम, little Emily is waiting to bid you good night. You must go sleep and dream of seeing all our faces. So friends, aaj ke video mein bas itna hi. Thank you very much for watching this video.